वे शब्द जो किसी नाम या प्रोनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, तो राधा की विशेषता क्या हो गई? एक अच्छी लड़की। राधा एक अच्छी लड़की है तो राधा की क्वालिटी क्या हो गई? राधा का गुण क्या हो गया? एक अच्छी लड़की का होना। तो इसी तरह से जैसे हम देख सकते हैं कानपुर इज अ बिग सिटी, कानपुर एक बड़ा शहर है। अब कानपुर की यहाँ क्वालिटी क्या हो गई? एक बड़ा शहर का होना। तो कहने का मतलब यहाँ वही निकाल रहे थे कि वे शब्द जो किसी नाम या प्रोनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर आपने सिलेबस में नाइन इलेवन ट्वेल्थ के यहाँ पर आपको ये देखना है कि एडजेक्टिव की तीन पोजीशंस होती हैं। अब वो तीन पोजीशंस को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव की एडजेक्टिव के जो गुणों को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसको हमने दे दिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब एडजेक्टिव के कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन। जैसे फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पर मुझे देखना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, कंपैरेटिव क्या होगी, सुपरलेटिव क्या होगी। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। कोई हो, मतलब उसमें कोई एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान हो तो सिर्फ एक ही विशेषता बताने वाले यानी कि शब्द को क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। अब हम पॉजिटिव डिग्री को पहचानना कैसे है कि जिस सेंटेंस के अंतर्गत यदि जाए या फिर जाए तो हमें पहचान लाना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। समझ में आया होगा? पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत सिर्फ किसी एक व्यक्ति की, वस्तु की या फिर स्थान की विशेषता बताई जाती है। अब इसकी और पहचान करने के लिए इसमें सदैव एडजेक्टिव या फिर सो एज का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिख दिया झांसी एज बी कैन ललितपुर, झांसी इतना ही बड़ा है जितना कि ललितपुर, दासा ने एज कानपुर इज बिगर देन लखनऊ।
कानपुर लखनऊ की तुलना में बड़ा होता है, बड़ा है। तो अब यहाँ देखा कि कानपुर की तुलना किससे की गई है, लखनऊ से की गई है, और तुलना करने के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं का, तो उसको पहचान लेंगे तो कंपलीटिंग डिग्री है। इसमें थोड़ा एक और देखना है कि डिग्री बनाते समय कंपलीटिंग डिग्री में शब्द ईआर या फिर आईईएसटी आईईआर ईआर या फिर आईईआर या फिर वो का यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमारा शब्द बिग है, बिग मीन्स क्या होता है बड़ा, अब इसकी कंपलीटिव डिग्री क्या हो जाएगी बिगर, ठीक है। अब जैसे टॉल है तो टॉल की डिग्री क्या हो जाएगी टॉलर। अब जैसे किसी शब्द के अंत में बाइक बाइक में बाइक हो तो बाइक के पहले भी कंसोनेंट आ जाए, जैसे लेजी तो लेजी में क्या है एल ए जेड वाई, तो अंत में बाइक है और बाइक के पहले जेड क्या है कंसोनेंट है, तो फिर बाइक को अलग करके क्या करेंगे आई ई आर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से जब किसी के दो सिलेबस हो, सिलेबस मतलब जैसे दो साउंड हो, जैसे मान लो क्या है ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में देखेंगे दो सिलेबल हो रहे हैं, एक तो ब्यूटी और एक क्या हो गया फुल, तो जिसमें दो सिलेबल दो साउंड निकले तो उसमें मोर या मोस्ट का यूज कर देते हैं। जैसे मोस्ट करेंगे कंपरेटिव के लिए और मोस्ट का यूज करेंगे सुपरलेटिव के लिए, जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटी और फुल दो साउंड निकल रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से जैसे कहा है पॉपुलर, इसमें देखेंगे पॉपू होगा दो सिलेबल हो रहे हैं तो मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। इसी तरह से इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यानी कि कई साउंड निकल रहे हैं तो उसमें क्या होगा मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। पर उन्होंने उसको थोड़ा ध्यान रखा है, अभी अभी हम ये बात सब कर रहे हैं कि यानी कि जब किसी यानी कि वर्ड में ई आर लगा हो या फिर मोर लगा हो तो वो कौन सी डिग्री होगी कंपरेटिव, और कंपरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए किसका यूज किया जाता है देन का। अपने को सिर्फ अभी यहाँ इतना देखना है कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक की विशेषता बताई जाती है, इसकी पहचान करने के लिए उसमें एज एज या फिर सो एज का यूज करते हैं। कंपरेटिव डिग्री में एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है और उसमें तुलना करने के लिए यानी कि देन वर्ड का यूज अवश्य करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की तुलना पूरे समुदाय से कर दी जाती है। अच्छा, इसको पहचान कैसे करना है, इसमें ये देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले यानी कि द या फिर वन ऑफ द का यूज अवश्य होता है, ठीक है, द या फिर वन ऑफ द का यूज अवश्य होता है। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अब देखो कानपुर की तुलना किससे हो गई, उत्तर प्रदेश के सभी शहरों से हो गई। जब किसी एक की तुलना पूरे समुदाय से की जाए तो वहां पर कौन सी डिग्री होती है सुपरलेटिव। पहचान देखा हमने यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाया आईएसटी लगाया, और इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले देखिएगा कि दा का यूज हुआ है, ये इसकी पहचान के रूप में ले लिया। इसी तरह से एक सेंटेंस हम और भी लेते हैं, जैसे अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। अशोक जो है भारत के महानतम राजाओं में से एक था। अब अशोक की तुलना किससे हो गई, इंडिया के सभी राजाओं से हो गई, तो एक की तुलना पूरे समुदाय से की जाए तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, जैसे पहचान करने के लिए क्या है कि डिग्री के पहले दा या फिर वन ऑफ द का यूज अवश्य होता है। तो पहचान में आया होगा पॉजिटिव डिग्री में किसी एक की विशेषता बताई जाती है और उसमें एज एज या सो एज का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो एज एज जाएंगे, नेगेटिव होगा तो सो एज जाएंगे। पॉजिटिव कंपरेटिव डिग्री में यानी कि एक की तुलना दूसरे से की जाती है और उसमें तुलना करने के लिए देन वर्ड का प्रयोग जब अवश्य होता है। सुपरलेटिव डिग्री में एक की तुलना
समुदाय से की जाती है और डिग्री के पहले दाया का यूज अवश्य होता है। अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन आता है इनको डिग्री को चेंजेस करने के लिए, जैसे पॉजिटिव से कंपलेटिव बनाया, कंपलेटिव से पॉजिटिव बनाया, या फिर कंपलेटिव से सुपरलेटिव बनाना, या सुपरलेटिव से कंपलेटिव बनाना, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना, या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉजिटिव चेंज इनटू कंपलेटिव, पॉजिटिव से कंपलेटिव डिग्री बनाना। इसके लिए एक अपना छोटा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं जिससे इसको आसानी से बनाया जा सके। तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर इसका लिख दिया रूल्स में, एल एन पी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव बार कंपरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एफ एंड बी। इसको समझिए इनके बारों का मीन्स क्या है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिख दिया है। एल एंड बी इसको हमने समझ लिया लास्ट का नाम या प्रोनाम, एल एन पी का मतलब क्या लास्ट का नाम या प्रोनाम। इसके बाद मुझे दिखाया हेल्पिंग वर्ब क्या करना चाहिए, सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे और यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसके बाद कंपलीटिव डिग्री को लिखेंगे प्लस देन लगाएंगे फिर फर्स्ट नाम या प्रोनाम का यूज करेंगे। जैसे हमने यहां सेंटेंस लिख दिया कृष्णा इज एज स्ट्रॉन्ग एज गणेशा। अभी जैसा कि अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था पहचान करने के लिए कैसे करते हैं, देखो इसमें एज और एज का यूज हुआ है। हमने पहचान ली डिग्री कैसी है, पॉजिटिव है। और ये भी देखा अभी बताया था यदि सेंटेंस यदि पॉजिटिव होगा तो एल एज का यूज होगा, सेंटेंस यदि नेगेटिव होगा तो यहाँ पर सो एज का यूज होगा। फिलहाल हमें इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पॉजिटिव को कंपलेटिव में चेंज करना है। इसको हम कंपलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लास्ट का नाम या नाम या प्रोनाउन, तो अपने लास्ट का नाम या प्रोनाउन सेंटेंस में कर दिया है गणेशा। इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें इज। इसके बाद देखा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखेंगे, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमने इसमें नॉट ऐड कर दी। इसके बाद देखेंगे कंपरेटिव डिग्री, अब डिग्री किसकी बनेगी स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग की कंपरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्गर। इसके बाद किसका यूज किया है और फिर फर्स्ट का नाम प्रोनाउन देखेंगे आप,
साथ नेगेटिव बना लिया, कंपरेटिव डिग्रीज के लिए धन का प्रयोग कर दिया, फिर फर्स्ट का नाम को नाम किया। तो कृष्णा इज एज स्ट्रॉन्ग एज गणेशा, तो इसकी अपनी कंपरेटिव डिग्री हो जाएगी गणेश, गणेशा इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा। दूसरा एग्जाम्पल राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, राधा इतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीता। देखिए सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए इसमें किसका यूज हुआ है, सो और एज का। अब इसको हमें बदलना है कंपेरेटिव डिग्री में, तो सबसे पहले वही लास्ट का नाम है उपनाम के लिए, तो क्या लिख दिया सीता। इसके बाद नेगेटिव वर्ब का यूज करेंगे तो एज, यहां देखेंगे सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव में बदल देंगे, मतलब यदि सेंटेंस में नॉट है तो अलग कर देना, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो सेंटेंस नॉट को ऐड कर देना है। तो सीता एज, अब इसके बाद नॉट को अलग कर दिया, ब्यूटीफुल की कंप्लीटली डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल। अब मोर को लगाया क्योंकि इसके दो सिलेबल हो रहे हैं, देखो ब्यूटी और फुल, ब्यूटीफुल भी हो रहे हैं। तो जब किसी वर्ड के यानी कि कई साउंड हो तो उसमें मोर और मोर का प्रयोग करते हैं, तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो इस तरह से हमने इनका पॉजिटिव का कंपैरेटिव में चेंज कर दिया। एक संदेश और लिखते हैं, सी रन्स एज फास्ट एज आर डियर, वह इतना ही तेज दौड़ती है जितना कि एक हिरण। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट का नाम को लिखेंगे आर डियर, सेंटेंस देखेंगे रन, यहां पर बाद में एस का यूज हुआ है तो बल में एस का एस का फर्स्ट बल में फर्स्ट फॉर्म की अभी बल हमारे फर्स्ट फॉर्म में और उसमें एस या एस का यूज हुआ है, तो पूरे टेंसेस में सिर्फ एक ही ऐसा टेंस होता है जिसके बल में एस या एस का यूज होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ देखेंगे कि जब बल में हमारे एस आया है तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव यदि होगा तो उसमें हमारा डू या डज का यूज नहीं करते, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर हमारा जो क्या पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे डू या फिर डज का, डू डज का प्रयोग करेंगे तो नॉट का भी प्रयोग करेंगे, तो आर डियर, तो आर डियर के अनुसार यहाँ पर क्या लिखेंगे डज, क्या हो गया नॉट। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो उसका एस अलग हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डज, तो आर डियर डज नॉट रन। अब फास्ट की कंप्लीटिव डिग्री क्या हो जाएगी फास्टर, और देन यहां पर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पॉजिटिव सेंटेंस से कंप्लीटिव सेंटेंस सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर सीखा, उससे संबंधित इन एग्जाम्पल्स को पढ़ा। इसी में कुछ और होता है वो और बताते हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। इसी अभी सेंटेंस में भी देखना है, यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नोट में यहां रहता है, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस
डिग्री का सेंटेंस नो अदर या वेरी फ्यू से आरंभ हो। से आरंभ हो कंप्लीटली डिग्री में कंप्लीटली डिग्री में देन एनी अदर या देन leaders in India
इन दीटा वर शो ग्रेट एज महात्मा गांधी महात्मा गांधी। तो वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, भारत में बहुत ही कम नेता वर्षो ग्रेट इतने महान है या पॉपुलर लिख दो या ग्रेट लिख दो कोई दिक्कत नहीं। वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, भारत में बहुत ही कम नेता इतने महान है वर्षो ग्रेट इतने महान है एज महात्मा गांधी जितना की महात्मा गांधी। अब इसको अपने बदलते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, तो वही प्रोसेस वही होगी स्ट्रक्चर वाली। सबसे पहले अपने लास्ट का नाम या प्रोनाउन लिखेंगे, तो लास्ट के नाम प्रोनाउन में क्या लिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब इसके बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ उनके साथ यूज है वर्ग का। अब वर्ग का यूज किसके अकॉर्डिंग है, लीडर्स के लिए बहुत सारे हैं। अब यहाँ देखिए महात्मा गांधी तो सिंगर वर्ग है, इसमें गांधी बॉस, महात्मा गांधी बॉस। अब डिग्री तो ग्रेट एक ही सिलेबस है, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी ग्रेटर, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर। आप देखेंगे यहाँ सेंटेंस हमारा किससे शुरू होता था, वेरी क्यूशी ऊपर हमने इंडिकेट कर दिया है। यदि हमारा वेरी क्यूशी सेंटेंस शुरू हो तो हमें क्या लिखना है देन वो अदर, यदि नो अदर से शुरू हो तो देन एनी अदर, तो वेरी फ्यू आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देन नो अदर, देन मोस्ट अदर। अब इसके बाद मोस्ट अदर के बाद कितना जो बचा हुआ है गरीब को छोड़ करके लीडर्स ने लिया, तो यहां लिखेंगे लीडर्स इन इंडिया। तो ये अपना पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज हो गया, क्या हुआ महात्मा गांधी बाद ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। इससे संबंधित कुछ सेंटेंस